दिखाओ दिखाओ फुटाओ दिखाओ, ये फलत बहुत बढ़िया। कुछ जरा उखाड़ो उखाड़ो, दो चार पौधे उखाड़ो जरा। वाह, ये लाओ जरा मेरे को दिखाओ। ये देखिए, ये है फलत। रेसिपी क्या है? गोर्धन खनिज खाद, थोड़ा मिट्टी लाल पीली सफेद मिट्टी डाली और सफेद खनिज मिट्टी खनिज डाली। रासायनिक से बढ़िया है जी। अच्छा, और उधर रासायनिक है? उधर रासायनिक है। चलो वो भी देखते हैं। ये हमारे भाई का रासायनिक खेत है। रासायनिक देखो कितना उग्रा दिख रहा है, पूरे जो है जूम करके दिखाओ जरा। ये देखिए पूरा इसमें सूखा हुआ पौधा दिख रहा है, ठीक है, उगता वाला। और इधर दिखाइए ये पूरा क्या है? ये अपना जैविक वाला। हाँ, ये पूरा जैविक है, इधर कहीं जो है उगता नहीं है और पूरे हरे भरे पौधे हैं, ठीक है। अब उधर का भी रासायनिक दिखाओ आप। फंगस से इधर रासायनिक था। हाँ, बस यहाँ पूरा खाली हो गया। और देखो सारे पौधे सूख गए, ये पौधे सूख गए। तो यहाँ भी उतना ही चना लगाए थे, वही वेराइटी एक ही दिन बोया है। उधर से बोते बोते इधर नीचे तक गए हम लोग। एक ही दिन बोया है, प्लाट है, एक ही बीज है, एक ही दिन की बुआई है। अच्छा, अब यहाँ देखो चना जो है सारा फंगस के कारण खत्म हो गया। और वहाँ टीसीपीटी में क्या किए? मात्र गोवर्धन खनिज और मिट्टी डाली, बस बस। तो केवल गोवर्धन खनिज खाद और मिट्टी, मिट्टी तो डिपॉजिट है आपकी जी। तो ये है टीसीबीटी का कमाल। यदि टीसीबीटी किसान करता है तो एक ही किसान, एक ही प्लॉट, एक ही दिन की बोनी, एक ही वैरायटी। रासायनिक में सूख गया और जैविक में हरा है, हरा भरा है, कहीं कोई सूखा नहीं है। अभी देखो आपने जो है यहाँ पर केवल गोवर्धन खाद डाला, वी प्लस एम प्लस का स्प्रे करके और इल्ली रोकी जी। और उधर आपने सब किया, तीन बार डीएपी सब डाला, तीन बार इमामेकिन डाल चुका हूँ। अच्छा, वहाँ का कुल खर्चा बताओ, एनपीके कितने का डाला? 1700 का एनपीके। और डीएपी कितने का? 1400। कितना हो गया? 17 और 14, 3100। 3100 हुए। फिर क्या डाला वहाँ? वहाँ पे इल्ली मार के लिए दवाई डाली। कितनी बार? तीन बार डाल दी। कितने का हुआ तीन बार का? 1600 की एक बार, और एक बार 400, एक बार 400 का। तो 4 × 8 16, 2400, 2400 और 3100 कितना हो गया? 5500, 5500 हो गया, 5500। और क्या खर्चा किया? यूरिया है, यूरिया कितने का? यूरिया 2 बैग डाला है, 600 का। कितना हो गया? 6000 का, ठीक है। और इतना ही वहाँ खर्चा हुआ। और बीज का सारा खर्चा तो सेम है? सेम है, बीज सेम है, बुआई सेम है। ठीक है। और यहाँ जैविक में क्या क्या डाला? गोवर्धन खनिज खाद कितना डाला इसमें? स्टार्टिंग में 50 किलो डाला है पूरे 2 एकड़ में। हाँ, और बाद में फिर 25-25 किलो 2 एकड़ में डाला है। तीन बार जब भी पानी दिया, 2 बार 50 किलो एक बार स्टार्टिंग में डाला है, बोने के बाद में वो भी फिर बाद में 25-25 किलो दो बार, मतलब कुल 1 क्विंटल। तो यहाँ 2200 रुपए का खर्चा हुआ, 2300 रुपए, 2300 का खर्चा पूरा किया 1 एकड़ में। और क्या खर्चा किया है? बाकी तो अपने एम प्लस वी प्लस और उससे कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्प्रे की एक आई के लिए, इल्ली के लिए, इल्ली के लिए, तो उससे कवर हो गया। हाँ, तो इल्ली का तो ऐसा कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है अभी। तो वी प्लस एम प्लस दोनों डाले एक एक बार की अलग अलग? एक साथ में मिला के डाले, दोनों मिला के फर्मेंट करके। हाँ, वो टैंक है वहाँ पे, फर्मेंट होते ही रहते हैं। हाँ, अभी देखो आपने जो है यहाँ पर केवल गोवर्धन खाद डाला, वी प्लस एम प्लस का स्प्रे करके और इल्ली रोकी जी। आप चलते चलते मुझे आप बताइए भैया, इधर पर फंगस नहीं आया, मात्र इन्होंने काम क्या किया है? गोवर्धन खाद, वी प्लस एम प्लस का स्प्रे, इसका पूरा प्रैक्टिस केवल 10% टीसीबीटी हुआ है। अगर सोचो 100% हो जाए टीसीबीटी तो चने में और ग्रोथ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना बराबर। अब जो है एक और है मिट्टी की ताकत का। रासायनिक खेती की मिट्टी पकड़ोगे ताकत घट जाएगी, और जैविक की पकड़ोगे तो बढ़ जाएगी। एक जरा दौड़ के मिट्टी ले आओ वहाँ से, या इधर दूसरे जो है एक व्यक्ति आओ ताकतवर, आप आओ जरा, आप ही दिख रहे हो पतले दुबले और ताकतवर। हाथ ऐसा मुट्ठी बंद, नहीं चप्पल रहने दो, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको, नहीं रोक पाए, ताकत खत्म है। तुम आओ भैया जरा, करो, रोको रोको, ये देखो ये मेरी ताकत पूरा रोक लिया। अभी रासायनिक खेती की मिट्टी लाए हो, पकड़ो जरा,
रासायनिक खेती की पकड़ी, दिखाओ मिट्टी, दिखाओ लोगों को, ये देखो गलत जगह पकड़े, यहाँ रहना चाहिए, प्लग पॉइंट पे मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को और सारी खत्म, रोको भाई कुछ तो रोको, सब खत्म खत्म हो गया, फ्यूज पूरा रख दो, ये मिट्टी पकड़ लो बेटा रासायनिक, अब जैविक का पकड़ो जरा, इस खेत का जैविक की मिट्टी, हाँ मुट्ठी बंद करो, हाँ पकड़ो मेरे ताकत को, रोको, ये मैंने पूरी ताकत लगा दिया, ताकत बड़ी बढ़ गई, ताकत जबरदस्त जबरदस्त है ना, और किसी को करना है डेमो, करना है किसी को, सचिन कर दो, सचिन कर दो, ऐसे ही खड़े हुआ करो, और आप भी कर सकते हो, इसमें हमारी कोई नहीं, पर हाथ को धीरे से दबाना, सीधे रखो, जोर से दबाओगे तो पहली बार में ही नीचे आ जाएगा, तो ये भी मेरे ताकत को कुछ हद तक ये रोक लिए, ताकत है, अब जरा ये मिट्टी पकड़ो रासायनिक खेती वाली, कौन सी खेत की है, रासायनिक खेत की, और हाथ सीधे पकड़ो जरा, रोको, अरे मैं दबाना शुरू किया, रोको, हाँ रोको, खत्म है ताकत, सब खत्म हो गया, हाँ कि ना, सही है, जादू हुआ कि नहीं, जो ताकत घटा दे वहाँ फसल होगी क्या, छोटी समस्या की बड़ी समस्या, बड़ी समस्या है कि नहीं है, ये समस्या का हल, ठीक है, अब यहाँ की मिट्टी पकड़ो, इसको दे दो, यहाँ की मिट्टी पकड़ो, और अभी इन्होंने मिट्टी पॉजिटिव करने के लिए पांच में से एक ही काम किया है, जिस दिन ये प्रॉपर ऊर्जा जल डाल देंगे, ये देखो रोको, रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे, ताकत आ गई, तो ये मिट्टी पॉजिटिव है इसलिए इसमें फलत है, समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी समझ में आई कि नहीं आई, और इसको पॉजिटिव करने का खर्चा क्या है, कुछ नहीं, अग्निहोत्र भस्म और फिट करी, 100 ग्राम फिट करी, 100 ग्राम भस्म, कोई खर्चा है विशेष, ये डाल दो, फंगस जो है आधी खत्म, फिर नैनो सिल्वर एजी प्लस डाल दो, वो पूरी खत्म, फंगस जमीन में डालो, वो मैंने स्प्रे किया था, हाँ ठीक है, हाँ चांदी जो है वो फंगीसाइड होती है और फर्टिलाइजर भी होती है, क्योंकि फर्टिलाइजर ना चांदी खाते थे ना मेरे पूर्व रजत भस्म, क्लियर हुई बात, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद।